मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ। आज वीडियो लेक्चर का विषय है प्राचीन भारत में लौह काल। हम सब लोहे के महत्व को समझते हैं कि जब मानव जीवन में लोहे का उपयोग शुरू हुआ तो एक सामाजिक आर्थिक क्रांति की शुरुआत समाज में हुई। समाज के ढेर सारे समीकरण बदले, लेकिन विचार का बिंदु बन जाता है कि भारत में लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ। इस विषय में विभिन्न विद्वानों के अपने अपने राय हैं, अपने अपने विचार हैं। अगर सच माना जाए तो लोहे का पूरे विश्व में सबसे पहले जो प्रचलन शुरू हुआ था वह एशिया माइनर, टर्की अथवा काकेशस के क्षेत्र में हुआ। हित्ती साम्राज्य के कर्णधारों ने इसकी उपयोगिता को समझा और उन्होंने लोहे के ज्ञान के रहस्य को लगभग 1300-1800 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के बाहर नहीं जाने दिया। अर्थात लोहे के का जो सर्वप्रथम ज्ञान मध्य एशिया के क्षेत्र में हुआ तो 1800 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व के बीच में पूरी तरह से टर्की और काकेशस के क्षेत्र में एक सीमा के अंतर्गत रहा, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। प्राचीन विश्व के अन्य साम्राज्यों की भांति हित्ती साम्राज्य का भी लगभग 1200 ईस्वी पूर्व में विघटन हुआ। इस साम्राज्य के पतन के बाद लोहे की तकनीक से परिचित कारीगर आजीविका की तलाश में संभवतः हित्ती साम्राज्य की सीमाओं से लगे हुए क्षेत्रों में चले गए और अपने साथ उस तकनीकी ज्ञान को भी लेते गए जिसे हित्ती शासकों ने गुप्त रखने का भरसक प्रयत्न किया था। हित्ती साम्राज्य के विघटन होने पर लौह धातु के शोधन का प्रसार पश्चिमी एशिया के अधिकांश क्षेत्रों में हुआ, तथापि 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य के समय को लौह तकनीक के प्रसार का संक्रमण काल कहा जा सकता है। ईरान में सर्वप्रथम स्यालक नामक पुरास्थल के नेक्रोपोलिस में लोहा मिलता है, परंतु लौह उपकरणों का आधिक्य नेक्रोपोलिस बी में ही दृष्टिगोचर होता है, जिसका कालानुक्रम सी सेफर के अनुसार 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। पाकिस्तान के दक्षिणी तथा मध्यवर्ती बलूचिस्तान में स्थित बृहत पाषाणिक समाधियों में लोहा लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में मिलने लगता है। उत्तरी बलूचिस्तान तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की बृहत पाषाणिक और गंधार समाधि संस्कृतियां लौह युगीन हैं। गंधार समाधि संस्कृति की तिथि 900 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। प्रमुख लौह उपकरणों में भाला फलक, बाण फलक, कीले, डंडी युक्त करछुल, हाथ की अंगूठियां, घोड़े के लगाम की गलपट्टी आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार प्रथम सहस्राब्दी ईस्वी के प्रारंभिक वर्षों में पाकिस्तान में लोहे का प्रचलन हो चुका था।
लोहे का ज्ञान भारत की सीमा के अंदर कब प्रविष्ट हुआ, यह अभी भी उलझा हुआ प्रश्न है। अगले वीडियो में इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।